हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। हमने मंगाई है एक साइकिल जिसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे और इंस्टॉलेशन करने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों, हम इसको इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं। आप भी वीडियो में बने रहिए और इसका प्राइस भी बताऊंगा मुझको कितने में पड़ी, इसका प्राइस भी बताऊंगा आपको कितने में पड़ी है। पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स कटिंग हो चुका है, देखते हैं अभी। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी दी है दोस्तों, देखते हैं सामान किस तरह क्या है अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, जब भी ऑनलाइन मंगाते हैं तो साइकिल कुछ इस तरह से पैक होकर आती है। ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, लीडर कंपनी की साइकिल है दोस्तों। ये नॉन गियर साइकिल है, गियर की नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स आए हैं। तो दोस्तों, पहले तो एक बॉक्स निकला है, उसको साइड में रख दो उधर। इसको अभी दो लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी शायद इसको निकालने के लिए, काफ़ी वेट है दोस्तों साइकिल का। ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली इसको निकाल चुके हैं, काफ़ी वेट था। साइकिल तो काफ़ी हैवी लग रही है निकालते समय बॉक्स से। तो इसके साथ साथ क्या क्या पार्ट्स आए हैं वो भी आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। पहले इसको खोलते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ क्या क्या पार्ट्स आए हैं। तो मोटा मोटी देख लीजिए आप, ये रिफ्लेक्टर साथ में दिए हैं कंपनी फिट करके, और एक साइड स्टैंड भी फिट है दोस्तों। और इसके साथ में जो डिस्क ब्रेक आते हैं वो भी फिटेड हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों टायर को रिफ्लेक्टर पहले से लगे हुए हैं और डिस्क ब्रेक भी। तो दोस्तों, पहले इसको ओपन करता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। ये लॉक दिए हैं, जो पैकिंग की है अच्छी, काफ़ी अच्छी पैकिंग है। इसको साइड में रख देता हूँ अभी। और इसके साथ क्या क्या आता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। उस बॉक्स में क्या है उसको भी ओपन करके देखते हैं। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या निकलता है। ये देखिए दोस्तों, इस बॉक्स में एक सीट आई है। सीट की मटेरियल दिखाता हूँ आपको, पैकिंग तो अच्छी दी है, सेफ्टी कवर वगैरह दिया है कंपनी ने। और एक वाटर बॉटल आई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ में ये फिटिंग का पाना दिया है। फिर ये रिफ्लेक्टर हैं दोस्तों, एक रेड और एक व्हाइट कलर का। और ये एलेंकी की दी है, देख सकते हैं आप, जो इसके हैंडल को फिट करने को काम में आती है दोस्तों। सीट मटेरियल की बात करें तो इसका स्पंज काफ़ी नरम है, आपको इस तरह से दिखाता हूँ। देखिए, देखने में ओवरऑल साइकिल तो काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बड़े बॉक्स में आई है ये देखिए। और इसके टायर वगैरह भी काफ़ी हैवी हैं, देखने में तो बेस्ट है दोस्तों साइकिल। देखते हैं इसको इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं हम। और ये देखिए दोस्तों, साथ में दो पैडल दिए हैं, इसको भी फिट करना होगा हमें। तो इसका इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि साइकिल कैसी दिखती है। अभी अभी आई है दोस्तों, देखते हैं पहले इसको मैं इंस्टॉल कर पाता हूँ या नहीं। और कुछ इस तरह से एक नट दिया है इसके हैंडल में, ये देखिए इसका हैंडल कुछ इस तरह से है। ये नट है दोस्तों, इसको एलेंकी से टाइट करना होगा। यहाँ पर एलेंकी लगती है जो आपको दिखाया था मैं पहले। तो ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से घूमता है, मैंने इंस्टॉलेशन का एक वीडियो देखा था, तो इसी तरह से इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं होता है नहीं। तो इस तरह से हमको करेक्ट रखना होगा, ये देखिए।
तो हमको इस तरह से या ऐसे भिंगा ऐसे नहीं लगाना है, इसको एग्जैक्ट इसके फेस में इस तरह से करेक्ट रहना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से सीधा करके इसके अंदर रख देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी ये इसके अंदर बैठ चुका है। तो अभी हमको एलंकी लेना होगा इसकी। ये देखिए ये एलंकी, पहले इसके हैंडल को सीधा रखते हैं दोस्तों, और ये हिस्सा एग्जैक्ट रहना होगा दोस्तों, ऐसे भींगा इस तरह से रहे नहीं। तो इसको हमको सीधा लेवल में लाना होगा, ये देखिए, ताकि टायर जब बैठे तो आउट ना चले साइकिल। तो अभी हम इसको टाइट करते हैं दोस्तों, आराम आराम से बस आपको टाइट करना है इसको सेंटर में रखकर। तो अपने आप ये टाइट हो जाएगा, फिर एक बार चेक कीजिए जो फारक होता है दोस्तों, जो टायर लगता है वो आउट तो नहीं है इसका शेप। इसको सेंटर में रखना है दोस्तों, तो जब भी ये हिले तो इसको सेंटर कीजिए इस तरह से। ये देखिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बस इतना ही टाइट करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट लिखा है, देखिए आर, यानी ये राइट साइड का है, इस साइड आता है। यहाँ पर पैंडल पे लिखा है एल, तो ये लेफ्ट साइड का दोस्तों। तो पैंडल को भी बिठाते समय हमको इसका ध्यान रखना होता है कि किस साइड के पैंडल हैं, तो इसका भी एक ध्यान रखिए दोस्तों। तो चलिए ये और इसका टायर वगैरह लगा कर फिर आपसे जुड़ते हैं। तो पहले इस साइकिल को पलटा देते हैं। अभी हमने साइकिल को इसका हैंडल लगाया है, इसका व्हील लगाएंगे दोस्तों। अभी ये देखिए यहाँ पर इसके सेंटर में, ये देखिए यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर उसका जो डिस्क ब्रेक का प्लेट होता है दोस्तों वो बैठता है। तो इसको प्लेट को सही से बिठाना है, यही इसमें काम है। और ये जो नट कंपनी देती है ये सेफ्टी के लिए देती है, तो इसको खोल के हटाना होगा हमको। तो इसको निकाल कर साइड में कर देते हैं दोस्तों, इसका कुछ काम नहीं है हमारे को। टायर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे कम प्राइस में मिला है। अगर लोकल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा महंगा ही था, तो अच्छी सेविंग हुई है। और जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा था उसमें लिया है दोस्तों, तो अच्छा सेव मिला है मुझे। अभी हमने इसको बिठाया है, तो पहले इसके नटों को बाहर करना है हमको। तो ये मैं भूल चुका था, पहले इसके नटों को बाहर निकालते हैं दोस्तों। एक लॉक पट्टी आती है, फिर एक नट, तो पहले लॉक पट्टी को लगाना होता है हमें। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, यहाँ पर लॉक पट्टी लगती है, ये देखिए यहाँ पे इसका होल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लॉक पट्टी इस तरह से बैठती है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से बिठाने के बाद इस नट को लगाना होता है एक्सल के अंदर, इसके हब के अंदर। तो आपको आगे दिखाऊंगा। तो पहले इधर साइड का भी एक साइड नट बोल्ट आता है, इसको अलग कर लेते हैं। ये प्लेट जो होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, देख सकते हैं इस प्लेट को, इस जो मैंने बताया था गैप है उसी में रखना होता है हमें। देखिए लगने पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसके नट वगैरह लॉक बिठा लेते हैं फटाफट से। पहले इसका लॉक यहाँ पर बिठाना है दोस्त तरह से। मुझे भी इंस्टॉलेशन का उतना आइडिया नहीं है, मैंने भी वीडियो देखकर ही कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, तो इसी से कर रहा हूँ। देखते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है कि 200-300 रुपये खर्च करके लोकल शॉप से भी बनवा लूँगा। फिर भी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है दोस्तों, इसीलिए इसको इंस्टॉलेशन खुद कर रहा हूँ। इसको पाना लगाकर टाइट करना होगा दोस्तों। फाइनली पूरी ये साइकिल इंस्टॉलेशन हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से है इंस्टॉलेशन करने के बाद। जो साइकिल के साथ आई है दोस्तों, एक वाटर बॉटल और एक स्टैंड आया था साइकिल के साथ जो आप देख रहे हैं, और सामने का जो डिस्क ब्रेक है वो देख सकते हैं आप, फिट होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे साइड भी डिस्क ब्रेक दिया है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से वर्क करता है ये इसका डिस्क ब्रेक। इसमें से एक वायर आती है आउटर में से, और टायर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर जो कंपनी से आया है
और जो सीट है ये एडजस्टेबल है दोस्तों, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो जो मरघट है ये अलग से परचेस किया था दोस्तों। मेन पॉइंट अब है दोस्तों कि इसका प्राइस क्या है। तो दोस्तों जो मरघट मैंने मंगाए थे ये ऑनलाइन से ही मंगाए थे, फ्लिपकार्ट से, ये मुझे गिरे थे 210 रुपये में दो। ये जो साइकिल के साथ आते नहीं है दोस्तों, सेपरेट अलग से मंगवाना पड़ता है हमको। और साइकिल की कीमत थी दोस्तों 4,800, 4,800 और 210, तकरीबन 5,000 के आसपास मुझको ये साइकिल गिरी है ऑनलाइन। ऑफलाइन में थोड़ी महंगी मिल रही थी तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, ऑफर चल रहा था दोस्तों। तो देख सकते हैं साइकिल का ओवर लुक कैसे है इंस्टॉल होने के बाद। इंस्टॉलेशन इसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन तो नहीं कहूँगा दोस्तों, जितना हो सके उतना करने की कोशिश की है। इसकी सीट वगैरह खुद से ही बिठाई है, और स्पंज सीट का अच्छा है, नरम है दोस्तों, कंफर्टेबल है। तो फिर भी 10% इंस्टॉलेशन, थोड़ा बहुत नट वगैरह ढीले हैं दोस्तों, जिसके स्पैनर पाना हमारे पास नहीं है, तो साइकिल दुकान को ले जाकर वहीं पर फिट करेंगे 150 देकर, जो भी होता है खर्चा। तो इसकी टायर की क्वालिटी कुछ ऐसी है दोस्तों, टायर तो देखने में काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे। 26 इंच के टायर साइज आते हैं शायद इसके। और इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड डिस्क ब्रेक आता है दोस्तों। ये साइकिल दो मॉडल में आती है, एक गियर वाली और एक विदाउट गियर वाली। ये विदाउट गियर वाली है दोस्तों, जो 4,800 रुपये में मुझे फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन पड़ी है ऑफर में। अगर इसका दूसरा मॉडल लेंगे गियर वाला तो वो शायद 2,000 ज़्यादा है दोस्तों इसका, जो गियर वाला मॉडल आता है। तो हमने बगैर गियर वाली मंगवाई थी 4,800 रुपये में। और इसका इंस्टॉलेशन फीस जो थी वो 500 थी, जो हमने कैंसिल कर दी है, क्योंकि हमें खुद से इंस्टॉलेशन करना था। हम जो हमारे लिए भी एक प्रैक्टिकल था, इसलिए हम देखना चाहते थे कि हम कर पाते हैं या नहीं। तो इसके मरघट जो हैं दोस्तों ये मुझको 200 रुपये में पड़े थे। और यहाँ पर जो और एक चकनट आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, उस चकनट को टाइट करने के लिए हमारे पास पाना स्पैनर नहीं है इसका, तो इसको साइकिल दुकान ले जाकर ही टाइट करना होगा हमें। तो एक 5-10% का काम बाकी है दोस्तों, जो छोटे मोटे नट बोल्ट वगैरह चकनट हैं उसको टाइट करना होगा, जिसके स्पैनर हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं, उसको साइकिल दुकान पे ही करवा लेते हैं। तो आज की वीडियो ये थी दोस्तों, साइकिल की अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।